क्या आपको पता है कि आज हम जितने भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें से एक खेल ऐसा भी है जो माना जाता है कि भगवान भी खेला करते थे। There are written accounts in Vedas and the epic of Mahabharat which suggest that even gods used to enjoy playing this particular sport. Can you guess हम किसकी बात कर रहे हैं? Well, we are talking about the game of Kabaddi, one of the oldest sports known to humankind. कबड्डी एक कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट है, यानी ये फिजिकल कॉन्टैक्ट पर बेस्ड है। ये गेम दो टीमों के बीच में खेला जाता है, जिसमें हर एक टीम से 7 प्लेयर्स खेलते हैं। इसके अलावा दोनों टीम्स में 5 सब्स्टिट्यूट्स भी होते हैं, जो किसी इंजरी के वक्त जख्मी प्लेयर्स को रिप्लेस करते हैं। इस खेल को आउटडोर और इनडोर दोनों ही तरीकों से खेला जा सकता है। वैसे आपने कबड्डी कोर्ट में कुछ लाइन जरूर देखी होंगी। ये लाइन्स कबड्डी गेम्स के रूल सेट करती हैं। The outer line forms the boundary within which players have to play. The line right in the center of the court divides the court into 2 sections, one for each team. And one line at the end of each team selection forms a line for bonus points. एक कबड्डी मैच 40 मिनट तक खेला जाता है, जिसमें 2 halves होते हैं। मैच के दौरान प्लेयर्स रेड्स और टैकल्स के जरिए पॉइंट्स हासिल करते हैं और 40 मिनट बाद जिस टीम का स्कोर ज्यादा होता है वो मैच जीत जाती है। खेल की शुरुआत होती है टॉस से। जो टीम टॉस जीतती है उसे पहले रेड करने का मौका मिलता है। इसके बाद दोनों टीम बारी बारी रेड करती हैं। रेड्स का मतलब होता है जब एक प्लेयर अपने कोर्ट से सेंटर लाइन के दूसरे पार ओपोनेंट के कोर्ट में जाता है। उसका एम होता है ज्यादा से ज्यादा ओपोनेंट प्लेयर्स को छू कर अपने कोर्ट में वापस आना। ओपोनेंट टीम इस वक्त अपने आप को डिफेंड करती है और साथ ही एक मौका ढूंढती है रेडर को धर दबोचने का, जिसे टैकलिंग कहते हैं। अगर डिफेंडर सक्सेसफुली रेडर को टैकल कर लेते हैं तो उन्हें उसके लिए 1 पॉइंट मिलता है और रेडर खेल से बाहर हो जाता है। व्हाइल द रेडर गेट्स एज मेनी पॉइंट्स एज द नंबर ऑफ ओपोनेंट प्लेयर्स ही टैग्स ड्यूरिंग अ रेड। अगर एक रेडर ओपोनेंट टीम के सारे प्लेयर्स को आउट कर दे तो इसे ऑल आउट कहते हैं और रेडर्स की टीम को 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं टू लेट देयर ओपोनेंट्स गेट बैक टू द गेम। इस खेल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है रेड के वक्त कबड्डी कबड्डी चैंट करना, और वो भी एक ही सांस में। अगर रेडर ऐसा करने से चूक जाए तो उसे आउट कर दिया जाता है। मैच में सक्सेसफुल रेड या टैकल के बाद पॉइंट हासिल करने वाली टीम को अपने एक प्लेयर को रिवाइव करने का मौका मिलता है। कबड्डी लाइक ऑल अदर स्पोर्ट्स इज अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक स्पोर्ट। कबड्डी को बाकी स्पोर्ट्स से यूनिक बनाने वाले कई फैक्टर्स हैं। उनमें से एक है इसकी वेरिएशंस। कबड्डी के 2 मेन वेरिएशंस हैं, एक जो रेक्टेंगुलर इंडोर फील्ड्स में खेला जाता है और दूसरा जो कि सर्कुलर आउटडोर फील्ड्स में खेला जाता है। सर्कुलर कबड्डी जो कि एक सर्कुलर कोर्ट में खेला जाता है, इसे इंडियन कबड्डी भी कहते हैं, एज ये मोस्टली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही खेला जाता है। विद स्मॉल वेरिएशंस इन द रूल्स एंड टाइमिंग्स ऑफ द गेम, सर्कुलर स्टाइल कबड्डी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स दैट आर संजीवनी कबड्डी, गामिनी कबड्डी, अमर स्टाइल कबड्डी एंड पंजाबी कबड्डी। जहां संजीवनी कबड्डी मॉडर्न स्टाइल कबड्डी के गेम प्ले के समान है, वहीं गामिनी स्टाइल कबड्डी में पॉइंट्स ओपोनेंट टीम के सारे प्लेयर्स को आउट करने के बाद दिए जाते हैं। अमर स्टाइल कबड्डी में प्लेयर्स को गेम से आउट नहीं किया जाता एंड द डिसीजंस आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द पॉइंट्स स्कोर्ड। आज के वक्त में इंटरनेशनली कबड्डी एक इंडोर रेक्टेंगुलर फील्ड में खेला जाता है और इसे स्टैंडर्ड स्टाइल कबड्डी कहते हैं। अब तक हमने कबड्डी के गेम प्ले के बारे में तो समझ ही लिया है, अब जानते हैं इस खेल की हिस्ट्री के बारे में। कबड्डी का ओरिजिन हुआ भारत से और माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने बचपन में कबड्डी खेलते थे और उन्होंने इस खेल का ज्ञान अर्जुन को भी दिया था, जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है। मगर तब यह खेल काफी अलग हुआ करता था। कबड्डी एज वी नो टुडे is the modern version of its prehistoric form. Kabaddi game ka modernization hua early 1900s mein, jab Bharat ke kai sare regions mein log Sanjeevani aur Gamini style Kabaddi forms ko combine karke khelne lage, jisme Sanjeevani style Kabaddi ke revival rule ko adopt kiya gaya. 1921 mein Maharashtra mein hone wale Kabaddi competitions ke liye pehli baar Kabaddi ke rules set kiye gaye, jiska istemal 1923 ke ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट में होने के साथ साथ ये फॉर्मली कबड्डी के रूल्स बन गए,
इसके बाद भारत ने 1936 बर्लिन ओलंपिक गेम्स और 1938 इंडियन ओलंपिक गेम्स में कबड्डी का प्रदर्शन करके इसे दूसरे देशों के सामने रखा। साथ ही 1950 में ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन का निर्माण करके भारत ने कबड्डी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने की जिम्मेदारी उठाई। बाय 1990 कबड्डी हैड स्प्रेड टू एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड देन इवेंचुअली टू अदर कंट्रीज। आज 31 से भी ज्यादा कंट्रीज में कबड्डी खेला जाता है और 12 मेजर कबड्डी प्लेइंग कंट्रीज कबड्डी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेते हैं। आफ्टर न्यूमरस नेशंस शोड देयर इंटरेस्ट इन द गेम, इन 2004 इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड एंड द फर्स्ट कबड्डी वर्ल्ड कप वॉज कंडक्टेड इन मुंबई इन 2004। सब्सिक्वेंटली 2007 और 2016 में भी कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इसके बाद 2019 में वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन ने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन को रिप्लेस किया और फिर आयोजन हुआ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कबड्डी वर्ल्ड कप का, जिसमें पहली बार 32 मेंस और 24 विमेंस टीम ने हिस्सा लिया, द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीम्स एवर प्लेड इन अ वर्ल्ड कप। इसके साथ साथ कबड्डी को बाकी स्पोर्ट्स के जैसा प्रमोट करने के लिए 2014 में भारत में प्रो कबड्डी लीग का आयोजन किया गया, जो कि टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ। ये लीग लोगों को इतनी अच्छी लगी कि 2014 से लेकर आज तक हर साल PKL होता आ रहा है और इसके जरिए कई सारे उभरते प्लेयर्स को आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है। भारत में आजाद कबड्डी आज दुनिया भर में खेला जाता है एंड इट्स नॉट ओनली एन एंटरटेनिंग गेम बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्टैमिना, स्पीड, एजिलिटी, मल्टीटास्किंग एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एज द गेम इटसेल्फ रिक्वायर्स ऑल दीज क्वालिटीज। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस स्पोर्ट। कबड्डी के बारे में आपने क्या नया सीखा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी कई सारे स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ऑल अबाउट स्पोर्ट्स ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। वॉन्ट टू बी द फर्स्ट टू नो ऑफ द वीडियोज ऑन द माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल, हिट सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन एंड रिमेंबर, नॉलेज इंक्रीजेज व्हेन यू शेयर इट, सो लाइक, शेयर एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द वीडियो।